नमस्कार, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आईक्यूएसी एवं अर्थशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर तपन चौरे फाउंडेशन के अंतर्गत आयोजित इस एक दिवसीय ई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका विषय फाइनेंशियल लिटरेसी में मैं डॉक्टर आभा दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महाविद्यालय के संरक्षक एवं प्राचार्य डॉक्टर एचएल अनिजवाल सर कर रहे हैं तथा कार्यक्रम के समन्वयक अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नैन्सी चौहान हैं। हमारे आमंत्रित अतिथि वक्ता आदित्य बिरला कैपिटल की एसोसिएट पार्टनर सुश्री अंकिता नामदेव व फाइनेंशियल एडवाइजर श्री अनूप श्रीवास्तव हैं। हमारे अतिथि वक्ताओं के उद्बोधन के पश्चात एक प्रश्न उत्तर सत्र होगा, अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपनी जिज्ञासाओं को कृपया चैट बॉक्स में अंकित करें। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं स्वागत भाषण हेतु अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर नैन्सी चौहान को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद आवर मैडम। गुड आफ्टरनून एंड ए वेरी प्लेजेंट वेलकम टू ऑल। द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन मध्य प्रदेश आर ऑर्गेनाइजिंग वन डे ई ट्रेनिंग ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। दिस प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द कोलैबोरेशन विद तपन चौरे फाउंडेशन। It is my great privilege to extend a very warm welcome to all the attendees. The chairperson of today's training is our patron and honorable principal, Dr. H. L. Anijwal sir, who always supports and encourages us for organizing such programs. I heartily welcome you, sir. I also welcome our senior professor and former principal, Dr. Anita Manchandia madam, who has also been giving us her support and guidance in every initiative. I would also like to welcome the IQAC coordinator and organizing secretary of this e-training, Dr. Neeta Tapan. Today we have two eminent resource persons with us, Ms. Ankita Namdev, Associate Partner, Aditya Birla Capital, and Mr. Anoop Srivastav, Financial Advisor. On behalf of our institution, it is my dear privilege to greet and welcome you both on this virtual platform. I also welcome all the participants of different institutes, our staff members and students. हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। पैसा या मनी हमारी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों में हमारी इनकम बढ़ी है, लेकिन महंगाई भी तेजी से बढ़ी है। पुराने समय में कम पैसों से भी हमारा गुजारा हो जाता था, लेकिन आज ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी हमारा खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि रुपए की वैल्यू बहुत गिर गई है। इसलिए जरूरी है कि आने वाला समय जो और भी महंगाई वाला होगा, उसमें तभी हम अच्छी तरह से गुजारा कर पाएंगे जब आज हम कुछ सेविंग करें और उसे प्रॉपरली मैनेज करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करें ताकि भविष्य में हम उससे एक अच्छा रिटर्न पा सकें। आज से 20-30 साल पहले मार्केट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के नाम पर केवल कुछ चुने हुए ही ऑप्शंस होते थे, जैसे फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, एनएससी या आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट्स, तो हमारा चुनाव भी आसानी से हो जाता था। लेकिन आज के समय में अगर हम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो इतने तरह के ऑप्शंस हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। कई तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, एसआईपीज हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं,
ऐसी अवस्था में हमें जरूरत होती है फाइनेंशियल लिटरेसी की, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन की या फाइनेंशियल अवेयरनेस की, ताकि हम अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करके उससे सही रिटर्न पा सकें। आज हमारे इनवाइटेड रिसोर्स पर्संस, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिस अंकिता नामदेव और मिस्टर अनूप श्रीवास्तव इन्वेस्टमेंट से संबंधित विभिन्न विकल्पों और उनसे संबंधित विभिन्न जानकारियों को हमसे शेयर करेंगे। इन द एंड वंस अगेन आई होल हार्टेडली वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड अवर रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्संस। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। अब मैं थीमेटिक इंट्रोडक्शन के लिए आईक्यूएससी की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता तबमन को आमंत्रित करती हूँ। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज हैज बीन अ पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स सर्विंग सिंस 1958। It is one among the 8 iconic colleges granted the status of Center for Excellence by Government of Madhya Pradesh. It earned A grade from NAC twice, first as early as in 2004 and second time in 2016 with 3.19 CGPA. It is a multi-faculty college with arts, science, commerce and home science faculties, with 11 crore sanctioned from World Bank and 2 crore from RUSA. The college is continuously progressing on the path of development. This college has a staff of around 90%, and IQAC has been conducting training and awareness programs continuously for the teaching and the non-teaching staff. In this same series, we are conducting an e-training on financial literacy today under the aegis of IQAC, Department of Economics, in collaboration with Professor Tapan Chaure Foundation. Financial literacy is the foundation of our relationship with money, and it is a process of lifelong learning. चूंकि हमारे पैसे का उपयोग उपभोग के अतिरिक्त बचत और विनियोग के लिए किया जाता है, मध्यम आय वर्ग की सैलरीड क्लास के लिए कर की बचत के स्रोत जानकर वे विवेकपूर्ण निवेश करना भी एक महत्वपूर्ण मसला है। दूसरी ओर जीवन और स्वास्थ्य, ये दो संवेदनशील मुद्दे भी अंततः अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश से जुड़ते हैं। अभी कोविड या किसी भी गंभीर रोग के अकस्मात आक्रमण की स्थिति में मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस जैसे सुरक्षा कवच परिवारों के लिए बहुत बड़ा संबल बने। साथ ही कर बचत के उद्देश्य से म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये भी अपने आप में कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस बनते हैं। कई स्थितियों में आजकल पेंशन के प्रावधान सरकारी नौकरियों में भी बंद हो गए हैं 2007 के बाद, इसलिए नई नियुक्तियों के लिए अपनी पेंशन की व्यवस्था करना भी एक बड़ा मुद्दा है। अब जब 31 मार्च को हमारा ये वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, हमारे पास मात्र 4.5 महीने के लगभग बचते हैं कि हम अपने निवेश या अपनी व्यवस्थाएं करें। तो इस उद्देश्य से हमने आज अपने 2 रिसोर्स पर्सन इस ई ट्रेनिंग में इनवाइट किए हैं, जिससे कि हम लोग मेडिक्लेम, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, इन सब पर उनसे जान सकें और जो भी हमें आगे अपने निवेश करने हैं या जो भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए बचत करनी है, जिन भी स्कीम्स में हमें हमारा पैसा लगाना है, उसके लिए हम लोग कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीशंस ले सकें, इसी के मद्देनज़र ये ई ट्रेनिंग आयोजित की गई है। सो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज एंड तपन चौरे फाउंडेशन हार्टिली वेलकम आर चेयरपर्सन ऑफ दिस e-training, our principal and patron, Dr. H.L. Anijbal sir, our invited resource persons, Mr. Anoop Srivastava and Ms. Ankita Namdev,
and all the delegates and participants and our dear students. Now, I hand over the proceedings of the program once again to Professor of Economics and the member of our organizing committee of Economics Department, Dr. Abha Deekshit, Madam. Over to you, Madam. धन्यवाद मैडम. इस बाजारवाद एवं विश्वीकरण के युग में आर्थिक सुरक्षा एक अहम मुद्दा है. वित्तीय प्रबंधन अनिवार्य आवश्यकता बन गया है जिससे भविष्य की वित्तीय समस्याओं से निपटा जा सके. आज हमारी प्रथम वक्ता सुश्री अंकिता नामदेव आदित्य बिरला कैपिटल में एसोसिएट पार्टनर है, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल प्लानर है. आपका टर्म और एंड रिटायरमेंट सॉल्यूशन में स्पेशलाइजेशन है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आपके अनुभव और नॉलेज से हम सभी को लाभान्वित करें. प्लीज मैम. थैंक यू नैन्सी जी एंड थैंक यू अदर मेंबर्स. मैं अंकिता नामदेव. जैसा कि अभी नीता मैम ने कहा कि ड्यू टू कोविड हमारे काफी हेल्पफुल भी रहे हैं और हमने ये भी देखा कि ड्यू टू कोविड. अब अगर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस हमें कैसे हेल्पफुल रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है पहले तो हमें ये जानना जरूरी है. लाइफ इंश्योरेंस मीन्स कि हम कोई भी पर्सन है, अगर कोई भी पर्सन का लॉस होता है, कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, कुछ होता है, तो हम 100% उसको इमोशनल लॉस को तो हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, बट उनके थ्रू जो फाइनेंशियल लॉस होता है हम उसको भले उसको जरूर रिकवर कर सकते हैं. कैसे? इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल रिस्क को हम इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं तो मैं एक सोल अर्निंग मेंबर हूं अपनी फैमिली की और मेरे ऊपर मेरी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है. मेरा बच्चा है, मेरे अदर मेंबर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं. अब अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट या एनी टाइप ऑफ डेथ, कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो उसके बाद इमोशनल लॉस 100% रिकवर नहीं कर सकते, पर उसके बाद जो फाइनेंशियल लॉस होता है मेरे थ्रू जितनी भी डिपेंडेबिलिटी थी मेरे फैमिली के ऊपर, उसका क्या? इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन होता है एक लाइफ इंश्योरेंस. उसमें जितनी भी मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उतना जितना भी हमने हमारा जितना भी कवर करा है, वो आपको जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको अमाउंट दे देती है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि लाइफ इंश्योरेंस हमें कितना लेना चाहिए. हमें ये तो पता है, काफी अवेयरनेस भी होती है हमें कितनी बार इस बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, हमारा एक टर्म प्लान होना चाहिए, हमारा एक टर्म कवर होना चाहिए, बट इस चीज की अवेयरनेस हमें काफी कम होती है कितनी बार कि हमें कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए. मैं कहते हैं प्रैक्टिकली हम इस चीज को देखते हैं कि हम किसी क्लाइंट से मिले, उनकी फॉर एग्जाम्पल उनकी इनकम है 1.5 और 2 लाख पर मंथ. हमसे उनका कहना होता है कि मैम आप 50 लाख तक का आप हमें लाइफ इंश्योरेंस कवर दे दें, जो हमारे लिए मैक्सिमम है. हमारी फैमिली को 50 लाख रुपीज मिल जाएंगे जो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है. बट क्या वो 50 लाख डेढ़ लाख से 2 लाख रुपए कमाने वाले पर्सन के लिए सफिशिएंट है? ये हम कैसे जान सकते हैं? हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम 1.5 लाख 2 लाख को नहीं लेते, हम अब छोटा सा 50,000 वाले को ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 50,000 और मैंने ले लिया 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर. कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, मेरी एज है 30 to 35 इन बिटवीन, कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, मेरी फैमिली को 50 लाख रुपीज मिल गए. पूरा हम ये मान के चल लेते हैं कि मेरी फैमिली ने उस 50 लाख में से एक रुपया भी कहीं और नहीं खर्चा करा, उस पूरे 50 लाख की FD करवा ली. अब हम अगर आज की डेट में FD के रेट देखें, मैक्सिमम हम 6% तक ले सकते हैं, जो मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 6% तक ले सकते हैं, जो हमें डे बाय डे हमारे डाउन जाने हैं. जैसे जैसे हम डेवलप कंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे ये डाउन जाएगा.
तो 6% के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो 50 लाख का 6% होता है हमारा 3 लाख। अब 3 लाख का हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, इट्स अप्रोक्सीमेट 24 to 25 थाउजेंड। अब मैं कमा रही थी 50,000 पर मंथ और मेरी फैमिली को मिल रहा है 24 to 25 थाउजेंड पर मंथ। क्या वो सफिशिएंट है मेरी फैमिली के लिए, जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स उनकी हो रही थी उसे सरवाइव करने के लिए, क्या वो सफिशिएंट है? तो नहीं, 100% तो सफिशिएंट नहीं है। तो हमें कैसे देखना चाहिए कि हमें कितना कवर लेना चाहिए? उनके लिए हमें, हमारे पास अलग अलग टूल्स भी होते हैं, प्लस हमारी जितनी भी क्राइटेरिया होता है वो हमारे डिपेंड करता है एज पे, प्लस हमें डिपेंड करता है हमारी इनकम पे, प्लस डिपेंड करता है हमारी मेडिकल फिटनेस पे। एज पे कैसे डिपेंड करता है? एज पे मीन्स अगर मेरी एज 30 to 35 के बीच में है और मेरी इनकम फॉर एग्जाम्पल 6 लाख पर मंथ है, तो मुझे 25 टाइम्स, मेरी इनकम का 25 टाइम्स तक का मुझे इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, जो मेरी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी होती है, जो मेरी फैमिली को आगे के जितने भी महंगाई है उसको रिकवर करते हुए, हर चीज को रिकवर करते हुए मेरी फैमिली को वो ही लाइफ दिखाएगी जो आज मैं जी पा रही हूँ। ऐसे ही अलग अलग एज पे हमारा अलग अलग इंश्योरेंस टाइम्स होता है, कितना हम कितना कवर दे सकते हैं। वही अगर हम 50 की एज वाले पर्सन पे देखेंगे तो हमको 5 टाइम्स to 10 टाइम्स तक हो जाता है। तो मॉरल अगर हम इसका ये देखें तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, लाइफ इंश्योरेंस जो बेसिक लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसको हम जितना जल्दी हम ले सकें उतना जल्दी हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हर तरीके से के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। कम आती है ज्यादा एज, मेडिकली भी हम कितनी बार फिट नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से हमारा टर्म इंश्योरेंस डेथ हो जाता है। हमारी एज वाइज हमें काफी कम मिलता है, हमारी प्रीमियम ज्यादा आती है। मार्केट में हम आज की डेट में देखें तो कहीं टर्म प्लान ऐसे भी आ गए हैं जो हमें हमारी फाइनेंशियल रिस्क को तो कवर करते ही हैं, प्लस आफ्टर 60 हमें पेंशन भी देते हैं। तो ऐसे टर्म प्लान्स पे भी हम जा सकते हैं जो इसमें हम 60 की तो हमारा पूरा कवर हमारा चलता रहे, 1 to 3 साल हमने जितना भी लिया है उतना हमारे लिए मैक्सिमम एलिजिबिलिटी जाती है, आप उतना भी ले सकते हैं प्लस 60 के बाद। क्योंकि जैसा कि मैम ने अभी बताया कि पेंशन बंद हो चुकी हैं 2007 के बाद, तो जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं आफ्टर 2007 जिन्होंने भी ज्वाइन करा है जिसने भी, उनके लिए पेंशन का रूल नहीं है। तो आफ्टर 60 हम उन्हें कवर के साथ पेंशन भी दे सकते हैं, उसमें उनका टर्म भी कवर होता है प्लस उन्हें पेंशन भी मिलती है। तो हम उस वैसे प्रोडक्ट्स पे भी जा सकते हैं। दूसरा, जैसे कि हमने बताया कि पैसा सेविंग्स, मैम ने बताया था अभी कि पहले के टाइम पे हमारे पास बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे कि पीपीएफ है, एनएससी है, आरडी है, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस जितनी भी स्कीम्स होती थी उसके अलावा हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होते थे, हमारे लिए इजीली हम उसे चूज कर सकते थे। बट अब हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट आ चुके हैं जिन्हें हम उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मीन्स हमारे पास गारंटीड प्रोडक्ट भी आ चुके हैं लाइफ इंश्योरेंस में, जिसमें हम आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करते हैं वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूरा लाइफ लॉन्ग हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एफडी का ले लेते हैं। एफडी क्या, एफडी के रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स हमें उतने ही मिलेंगे जितने हमें आज मिल रहे हैं, या 12 साल पहले, 9 साल पहले, आज एफडी के रेट हमें 20-25 साल पहले 12% तक भी मिलते थे, क्या आज भी हमें 12% मिल रहे हैं? नहीं, आज हमारा एफडी का रेट हो चुका है 5.5 to 6%। जैसे जैसे हम डेवलप कंट्रीज के टूवर्ड बढ़ेंगे, डेवलपिंग कंट्री हम हो चुके हैं, पहले हम अंडर डेवलप थे, अब हम डेवलपिंग कंट्रीज के उसमें आ चुके हैं कैटेगरी में, जैसे जैसे हम डेवलप कंट्री में आएंगे वैसे वैसे हमारे रेट कम होंगे उस समय, और एफडी का हमारा रिन्यूअल रिस्क बढ़ेगा। कैसे? हमने फॉर एग्जांपल 3 इयर्स की एफडी करी, 3 साल के लिए हमने हमारा रेट डिसाइड करा
6% का फॉर एग्जाम्पल हमें रेट मिला, आफ्टर 3 इयर्स अगर हम इसे रिन्यू करवाने जाएंगे तो क्या हमें सेम रेट मिलेगा? नहीं, हमें मिलेगा उस समय का जो करंट रेट रहेगा, जो 100% डाउन रहेगा, क्योंकि हम अभी ट्रेंड देखें, अगर हमें किसी डेटा उठा के देखें तो हर एवरी ईयर हमारा परसेंटेज डाउन जा रहा है एफडी का. तो आफ्टर 3 इयर्स 100% हमारा ये एफडी का डाउन जाएगा. तो लाइफ इंश्योरेंस में हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो 100% गारंटीड प्रोडक्ट कहते हैं. आपके पास जो भी लाइफ इंश्योरेंस बॉन्ड आता है, जो भी इलस्ट्रेशन आता है, उसमें आपके पास रिटर्न्स आपके लिखे हुए आते हैं. आज मैं हम आपको वो रिटर्न्स बता देते हैं. आपने हमें जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट बताया है, आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट आपको बताते आप हमें बताते हैं कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतने साल तक आप कर सकते हैं, आपको इतने साल बाद चाहिए, आफ्टर 26 इयर्स, आफ्टर 30 इयर्स, आपको जितना भी चाहिए, हम आपको आज ही के उतने उसका अमाउंट बता देते हैं कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा और वो 100% गारंटीड होता है. जिसे हम हमारे जो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और टूल्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम कह लें या दूसरे बैंकिंग स्कीम्स कह लें, उसके सब्स्टिट्यूट में. प्लस इसका एक एडवांटेज और, इसका एक एडवांटेज ये भी होता है, उसमें हमें लाइफ इंश्योरेंस मिलता है. अगर हम एफडी करवाने जाते हैं तो क्या एफडी में, जैसे मैंने अपनी एफडी करवाई, तो क्या एफडी में मैंने जितने की एफडी करवाई और अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या मुझे एफडी उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा? नहीं, मुझे जितने की मेरी एफडी है मैक्सिमम उतना ही नॉमिनी को मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा. उसमें भी सिर्फ मेरी 5 लाख की गारंटी होती है, उससे ज्यादा की गारंटी नहीं होती है. तो इन दैट केस हमारे पास जो गारंटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको 15 टाइम्स, 20 टाइम्स या 11 टाइम्स तक का आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है. इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी आपका जितना भी अमाउंट होता है, हमने फॉर एग्जांपल 1 लाख का हमने करवाया, 1 लाख में हमारा 15 लाख का इंश्योरेंस कवर हुआ. तो इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी मेरी 2 साल में ही अगर मेरी डेथ हो जाती है तो 15 लाख रुपीज हमारी फैमिली को मिल जाते हैं और आगे की हमारी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है. ये हमारा रिस्क भी कवर करता है. इसमें हमारा तीसरा बेनिफिट होता है टैक्स का. जैसे कि अभी अगेन मैम ने बताया था कि टैक्स के लिए हमें मार्च तक में हमें प्लानिंग करनी होती है. कैसे हमें मार्च तक में टैक्स की प्लानिंग करना है? अगर हम उस क्राइटेरिया में आते हैं तो 1.5 लाख तक की हमें ATC में रिबेट मिलती है. तो इसमें हमको जितने भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं हमें सब में ATC का रिबेट मिलता है. सारे जितनी भी आपकी प्रीमियम होती है वो आपकी ATC के अंडर टैक्स फ्री होती है. उतना आप आपका टैक्स आपका बचा सकते हैं. प्लस जितना भी आपको रिटर्न आता है, जो मैंने अभी आपको बताया टर्म इंश्योरेंस, मैंने आपको बताया टर्म इंश्योरेंस में आपका 1 CR का भी इनकेस अगर टर्म इंश्योरेंस है, और मैंने आपको जो पेंशन वाला बताया था उसमें अगर आपकी 50 लाख की भी पेंशन बनती है, या जो आपको गारंटीड वाला बताया उसमें अगर इनकेस आपका 50 लाख का भी अमाउंट बनता है, वो आपका 100% टैक्स फ्री होता है. वो पूरा अमाउंट आपका टैक्स फ्री रहता है, पूरा एज इट इज आपके अकाउंट में आता है. और जो आप प्रीमियम देते हैं वो आपका ATC, जो ATC सेक्शन में हमको इनकम टैक्स में हमको बेनिफिट मिलता है, वो हमें ATC में उसकी प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है. तो ये प्रोडक्ट आपको ATC प्लस 1010D दोनों तरह से हमें टैक्स का बेनिफिट देते हैं. इसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट को हम अदर टू कंपैरिजन सजेस्ट करते हैं कि हमें हमारे सारे फीचर्स इसमें कवर हो जाएं, हर तरह से हमारी फैमिली कवर हो जाए, हर तरह से हमारे फाइनेंशियल लॉसेस कवर हो जाए, हर तरह से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए. तीसरा हमारा आता है अगर हम रिटायरमेंट की बात करें, पेंशन हमारी बंद हो चुकी है हर तरह से 2007 के बाद. जितने भी न्यू ज्वाइनीज हम हैं, हमारी डेथ हो जाती है या फिर हम 60 क्रॉस कर जाते हैं, हमें पेंशन का कहीं से भी प्रावधान नहीं है. अब इन दैट केस ऑल्सो हमारे पास ऐसे टूल्स रहते हैं जिसमें हम भले हम 30 इयर्स, 35 इयर्स, 20 इयर्स के ही क्यों ना हो, हम आज से ही हमारे 60 इयर्स बाद या 50 इयर्स बाद जब से हमें पेंशन चाहिए, हमें हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तब से
हम उसे प्लान कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में जिसमें हम लाइफ लॉन्ग अप टू 100 ईयर तक हम पेंशन ले सकते हैं, प्लस उसका बेनिफिट हम हमारे आगे की जनरेशन को भी दे सकते हैं। कैसे? सपोज आज हमने एक प्रोडक्ट लिया, हमारी आज इनकम गुड इनफ है, हमारी फैमिली को हम अच्छे से कर रहे हैं, हमारा कुछ पोर्शन हमारा बचता है जो भी है, हम उसे सेविंग्स के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम एक प्रोडक्ट में रिटायरमेंट प्लानिंग करके हम इस प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारी फॉर एग्जाम्पल आज 30 की एज है, 30 की एज में हम चूज कर सकते हैं 25 years, 30 years या 20 years तक का भी हम इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म मीन्स जब तक हम प्रीमियम पे कर सकते हैं, हमें लगता है 50 की इयर्स तक पे कर सकते हैं, हम 50 की इयर्स तक पे करें, 8, 10, 12, 15 बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हम जब तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। इन दैट केस हम 30 years के हैं, 30 years के केस में हम 20 years तक प्रीमियम पे करें, 50 तक हम प्रीमियम पे करें, 50 के बाद आपके पास कुछ अमाउंट आता है, लमसम अमाउंट भी आता है जिसे आप एज अ कॉर्पस एज अ लिक्विड अमाउंट आप आपके पास रख सकते हैं। बस आगे होल लाइफ अप टू 100 years, अप टू योर 100th year आप वो पेंशन आपके पास 100% गारंटीड आपके पास पेंशन आती रहेगी। तो आपके पास एक ये टूल भी होता है कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग एक बेटर वे में कितना आपको पेंशन चाहिए, आपके पास ये ऑप्शन भी रहता है। हम आपको अभी ही बता सकते हैं कि आपको कितना पेंशन आफ्टर 20th year या आफ्टर 30th year आपके आपको मिलेगा। तो आप अपनी पेंशन आज से ही डिसाइड करके उसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं। हम देखें हमारे पास जैसे कुछ सीनियर्स भी हैं, सीनियर्स में वो भी आते हैं जिनको पेंशन 100% मिलनी है, जो 2007 के पहले के हैं उन्हें पेंशन का प्रावधान है, उन्हें पेंशन मिलेगी। बट अगर हम देखें तो क्या वो पेंशन हमारे लिए सफिशियंट है, ये क्वेश्चनेबल है। हम ये नहीं कह सकते आज के डेट में कि वो पेंशन हमारे लिए सफिशियंट होगी, हमारे आगे के एक्सपेंसेस को हर तरह से हमारी लाइफ को अच्छे से बेटर वे में इन्फ्लेशन रेट्स के अकॉर्डिंग हमें सर्वाइव करने में हेल्पफुल रहेगी, एक बेटर लाइफ सर्वाइव करने में हेल्पफुल रहेगी। हम ये क्वेश्चन हमारा ये चीज हमारे लिए क्वेश्चनेबल है। तो उनके लिए भी हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपके पास कुछ एक लमसम अमाउंट है या फिर हमारे पास एक कॉर्पस है जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 lakh का कॉर्पस है, हमारे पास एक अमाउंट रखा है, हम उसमें 25, 30 या 40 जितना भी हमको लिक्विडिटी रखनी है लेस उतना अमाउंट हम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना ड्यूरेशन आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको कितने ड्यूरेशन के बाद आपको पेंशन आपकी चाहिए। मार्केट में हमारे पास 7% से लेके 15% 100% गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको पेंशन देंगे आपके एक प्लस। पेंशन प्लान्स में यूजुअली आप देखते हैं इन केस ऑफ डेथ आपको मिलता है 100% आपका जितना भी आपने अमाउंट दिया है उसका 100% केस ऑफ डेथ आपकी नॉमिनी को मिल जाता है। बस अब जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसमें यह है कि आपने जितना भी आपका अमाउंट भरा है उसमें 10% एडिशन के साथ आप कितना ही भले आप 20 साल आप पेंशन ले चुके हो चाहे आप 30 साल पेंशन ले चुके हो, इन केस ऑफ डेथ 10% एडिशन के साथ आपको जितना भी आप अमाउंट भरते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 lakh भरा है, 20 lakh में 10% एडिशन के साथ आपको वो अमाउंट मिल जाएगा आपके नॉमिनी को। तो हमारे आप हम मार्केट में अगर हम आज के डेट में देखें हमारे पास यंग एज सीनियर सिटीजन मिडिल एज हर तरह के पर्सन के लिए हमारे पास प्लान अवेलेबल है। उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम बेटर कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं उसके लिए अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन की अगर चाहें अप टू 75 एज तक प्लानिंग कर सकते हैं, टर्म प्लान जो मार्केट में मिलते हैं वो टर्म की एज तक देते हैं। मार्केट में हर एज के लिए हर इनकम क्राइटेरिया के लिए हर तरह के बंदे के लिए प्लान अवेलेबल है।
थिंग इज हमें ये चूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कितना उस हमारी इनकम में से निकाल सकते हैं. अगर हम एक आइडियली देखें, आइडियली जो कहा जाता है, जो एक्चुअली हमें हेल्पफुल लगता है, हमारी इनकम 30% हमें सेविंग निकालना चाहिए. आगे के जितने भी चीजें होती हैं इन्फ्लेशन रेट को अगर हम देखें तो भी उसे क्रॉस करते हम आगे हमारा बेटर वे में हर चीज को सर्वाइव कर सकते हैं. कि अगर आपको किसी भी तरह के और भी कोई क्वेश्चंस हैं, ये मैंने एक आपको एक आउटलुक दिया था कि कैसे हम हमारी फाइनेंशियल, कैसे हम टर्म इंश्योरेंस हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, गारंटीड रिटायरमेंट सोल्यूशन, टर्म प्लान, इसका मैंने आपको एक आउटलुक दिया है. आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेक द क्वेश्चंस एंड आंसर देम. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर टुडे. धन्यवाद मैडम, आपने काफी महत्वपूर्ण एवं प्रभावी जानकारियां हमारे साथ शेयर की. निश्चित ही हम सभी इससे लाभान्वित होंगे. एक तरफ कोविड पेंडेमिक ने हमें मेडिक्लेम का महत्व अच्छे से समझा दिया, हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े बिल्स व महंगे इंजेक्शंस के भार से किसी ने राहत प्रदान की तो वे मेडिक्लेम की योजनाएं थी. दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में निवेश के अंतर्गत जोखिम अपेक्षाकृत कम होने से ये भी लोकप्रिय बने हुए हैं. हमारे भी सौभाग्यवश दूसरे वक्ता के रूप में श्री अनूप श्रीवास्तव फाइनेंशियल एडवाइजर मौजूद हैं. अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ. धन्यवाद मैडम, आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं अनूप श्रीवास्तव हूँ. पिछले करीब 25 से 30 साल से मैं फाइनेंशियल फील्ड में काम कर रहा हूं और आज जो बात हो रही है अभी मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के बारे में, ये आज का बड़ा ज्वलंत विषय है. हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है और सही सही बातें जानना चाहता है क्योंकि भ्रांतियां काफ़ी हैं उनके मन में, डाउट्स काफ़ी हैं. आप गूगल करेंगे तो कई सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप यह डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए उपयुक्त है या हमको लेना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आप लोगों आपके सामने हेल्थ इंश्योरेंस की बात रखता हूं क्योंकि आज का जो ज्वलंत विषय है हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में. हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम आप इसे दो नाम से जान सकते हैं और भारत में इसकी शुरुआत करीब 1986-87 के आसपास हुई थी जब गवर्नमेंट कंपनीज ने इसको पहली बार लॉन्च किया था. उस समय की मेडिक्लेम और आज की मेडिक्लेम में बहुत अंतर है. उस समय मैं करीब 2002 से मेडिक्लेम दे रहा हूँ सभी को, अपने क्लाइंट्स को, तो उनका यह कहना था उस समय कि भाई इसमें पैसा वापस नहीं मिलता है तो इसे हम क्यों लें, क्योंकि तो यह सेविंग स्कीम तो है नहीं. लेकिन अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है मीडिया ने या और प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतना अवेयर कर दिया हमें, और अभी कोविड ने भी हमें बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया इस बारे में कि हमको ये लगने लगा कि मेडिक्लेम हमारे लिए बहुत आवश्यक है. इसीलिए पिछले एक साल में मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस प्लान जितने सेल हुए हैं आज से पहले कभी भी इतने सेल नहीं हुए थे. तो मेडिक्लेम एक्चुअली हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद के खर्चों की पूर्ति करता है. ये ऐसा इंश्योरेंस है जो किसी व्यक्ति अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो हॉस्पिटल में जितने भी खर्चे उसके हुए हैं उनकी वो पूर्ति करेगा. जिस व्यक्ति के पास मेडिक्लेम है वो अपना हॉस्पिटल का एक्सपेंस वहाँ से कवर कर सकता है या वहाँ से रिम्बर्समेंट के थ्रू वापस ले सकता है. तो इसमें जो कवर होने वाले खर्चे हैं मेडिक्लेम में वो है रूम रेंट हो गया, आपका नर्सिंग चार्जेस है, बोर्डिंग चार्जेस है, और डॉक्टर की फीस है, एनेस्थेसिया है, एनेस्थेटिस्ट या स्पेशल आप कोई डॉक्टर बाहर से आता है हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए,
ड्रग्स एंड मेडिसिन्स हैं, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं, वो सारे हम इसमें कवर करते हैं मेडिक्लेम में। तो किसी व्यक्ति का अगर मेडिक्लेम है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये सारे खर्चे जो अभी मैंने बताए, ये एडमिशन के बाद वाले खर्चे हैं, ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन। और उसके बाद और पहले के भी हम इसमें खर्च कवर करते हैं, जैसे पोस्ट एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन। आज अगर कोई व्यक्ति एडमिट हुआ है, तो आज से पहले हो सकता है उसने उस ट्रीटमेंट के लिए पहले भी प्रयास किए हो, डॉक्टर के पास गया हो, कुछ जांचें करवाई हो, कुछ दवाई गोलियां ली हो, तो वो जो खर्चे हुए हैं वो भी हम इसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत कवर करते हैं। और उसकी लिमिट है करीब एक महीना या किसी कंपनी में 2 महीने पहले से तक के, डेट ऑफ एडमिशन से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले तक के खर्चे हम इसमें कवर करते हैं। दूसरा हो गया इसका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब डेट ऑफ डिस्चार्ज जो है। आज अगर कोई व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, तो 2 महीने से लेकर के 3 महीने तक के खर्चे हम उसमें आफ्टर डिस्चार्ज कवर करते हैं। उसमें भी डॉक्टर के पास वो फॉलोअप के लिए जाएगा, फिर डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट या टेस्ट लिखेंगे, तो वो सारे चीज़ें उसमें कवर हैं। इसके अलावा मेडिक्लेम में बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैं बता दूं, टैक्स बेनिफिट है, इनकम टैक्स के अंतर्गत सेक्शन 80D में इसकी छूट मिलती है। और जो व्यक्ति 60 साल की एज के अंदर है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं हुए हैं, उनको 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है, और जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको 30,000 रुपये तक की छूट मिलती है। एक हमारे पास इसके जो लाभ हैं उसमें, और भी इस लाभों की कड़ियों में एक कड़ी है नो क्लेम बोनस। अगर मान लीजिए कोई मेडिक्लेम है किसी का और उसका कोई क्लेम नहीं होता इस साल, तो हम उसको कुछ रिवार्ड देते हैं, वो रिवार्ड के रूप में हम उसको बोनस देते हैं। तो नो क्लेम बोनस मतलब कोई उसने क्लेम नहीं किया उसका बोनस हुआ, तो बोनस के रूप में हम उसे कैश बोनस नहीं दिया जाता है, बोनस के रूप में हम उसका इंश्योरेंस बढ़ा देते हैं। वो बोनस का भी परसेंटेज तय है, लेकिन वो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग है। इसके अलावा हम डे केयर की फैसिलिटी देते हैं। कई सारी डिसीज ऐसी होती है जो एक दिन में ठीक हो जाती है, उसके लिए हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा दिनों तक एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन में ठीक होने वाली डिसीज हैं उनको डे केयर बोलते हैं। जैसे आपका कैटरेक्ट हो गया, पहले किसी समय 2 या 3 दिन 4 दिन 10 दिन हम एडमिट हुआ करते थे कैटरेक्ट के लिए, अब 2 घंटे 3 घंटे में डॉक्टर हमको डिस्चार्ज दे देते हैं। तो उस कंडीशन में भी वो चीज़ कवर होगी। डे केयर जितनी भी तरह के हैं, मेडिकल फील्ड में करीब 500 से लेकर 1,000 डिसीज हैं जो डे केयर के अंतर्गत आती हैं, और भी हो सकती हैं, तो वो सभी इसमें कवर होती हैं। मेडिक्लेम में एक बहुत बड़ा एक तथ्य छुपा है कि आपको कम से कम 24 घंटे उसमें एडमिट होने की जरूरत है हॉस्पिटल में। यह इसकी बेसिक कंडीशन है। अगर हम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए तो हमें उसका कोई क्लेम हम नहीं कर सकते हैं। तो मेडिक्लेम के अंतर्गत अगर किसी को क्लेम लेना है तो 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है उसके लिए। एक 24 घंटे मतलब एक दिन नहीं मानेंगे हम, क्योंकि एक दिन में क्या होता है कि हम सुबह जाते हैं और शाम को छुट्टी लेके आ जाते हैं हॉस्पिटल से, तो वो एक दिन हम काउंट करते हैं, इसलिए वो 24 घंटे रखा गया है। तो 24 घंटे के अलावा जो डे केयर हैं वो काम करते हैं, क्योंकि डे केयर में 24 घंटे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये कंडीशन कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहना ज़रूरी है, तो क्या डे केयर में उनको क्लेम नहीं मिलेगा? तो डे केयर में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डे केयर में 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले किसी समय आयुष उपचार नहीं हुआ करते थे, इसमें कवर में नहीं आते थे। आयुष उपचार का मतलब है होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अब कुछ समय से वो गवर्नमेंट ने उसको इसमें कवर देना शुरू कर दिया है। तो लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसमें सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जो हॉस्पिटल्स हैं आयुष ट्रीटमेंट के लिए, उसमें एडमिट होना आवश्यक है। ओपीडी का हम इसमें कवर नहीं दे पाते हैं किसी भी तरह से। जो बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा एक बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट अभी और शुरू हुआ है,
ऑर्गन डोनर, जो व्यक्ति डोनर है, अपना कोई ऑर्गन किसी को दूसरे को डोनर डोनेट करता है, पहले किसी समय ये भी उसमें कवर नहीं किया जाता था, अब इसमें कवर होने लगा है। तो ये आपको हो गए हैं क्या क्या उसमें कवरेज है। रूम रेंट के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगा कि रूम रेंट की कुछ लिमिट है। रूम रेंट की लिमिट ये है कि जितना इंश्योरेंस अमाउंट हमारा है उसका 1% हम रूम रेंट के लिए खर्चा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 5 लाख का इंश्योरेंस अमाउंट है तो 5 लाख का 1% हो गया 5,000 रुपया प्रतिदिन। जितने भी दिन वो व्यक्ति एडमिट रहेगा हॉस्पिटल में उतने दिन के हिसाब से उसका रूम रेंट तय हो जाएगा। लेकिन रूम रेंट में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि नर्सिंग चार्जेस और बोर्डिंग चार्जेस भी इंक्लूड हैं। अगर हम रूम रेंट 5,000 रुपये कह रहे हैं और नर्सिंग चार्जेस 1,000 रुपया एक्स्ट्रा है तो हमारी लिमिट 5,000 रुपया है, तो हमें 5,000 तक का ही क्लेम मिलेगा। लेकिन जितना परसेंट एक्स्ट्रा हमारा रूम रेंट के नाम पर लगा है उतना प्रतिशत हमारा क्लेम में से डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट। तो इसलिए यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि रूम रेंट के अंतर्गत 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला रूम का किराया जो हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, दूसरा नर्सिंग चार्जेस जो हमारे लिए नर्सिंग सेवाओं के रूप में खर्च किए जाते हैं, तीसरा बोर्डिंग चार्जेस जब कोई पेशेंट को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इन तीनों को मिला करके रूम रेंट की परिभाषा बनती है। इसलिए जब भी हम रूम रेंट की बात करें तो या उसका अमाउंट हम देखें तो ये देखें कि ये तीनों मिला करके हमारी लिमिट के अंतर्गत है या नहीं। जनरली रूम रेंट 1% होता है और ICU का भी हम उसमें खर्चा देते हैं, तो ICU 2% ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट होता है। 5 लाख का इंश्योरेंस है तो 10,000 रुपया पर डे ICU का उसमें खर्चा दिया जा सकता है या फिर जो एक्चुअल हो वो। ये तो इसके सारे बेनिफिट आपको मैंने बताए हैं। कुछ और बेनिफिट हैं, एक होता है रिस्टोरेशन फैसिलिटी। चूँकि इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा अगर लिया जाए, मान लीजिए किसी ने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया या 15 लाख का लिया, तो उसकी फिर प्रीमियम भी उसी हिसाब से तय होगी, तो हर व्यक्ति के वो बजट में नहीं हो पाता है। इसलिए कंपनियां कुछ फैसिलिटीज देती हैं, उसमें एक है रिस्टोरेशन फैसिलिटी। रिस्टोरेशन फैसिलिटी का ये मतलब हुआ कि यदि किसी कारण से आज उस व्यक्ति का इंश्योरेंस अमाउंट पूरा खत्म हो जाए या उसका वो उतने पूरे अमाउंट का वो क्लेम ले ले और अभी पॉलिसी रिन्यू करने में समय बचा हो और इस बीच में कोई और उसको ज़रूरत पड़ जाए हॉस्पिटल में एडमिट होने की या उसके परिवार के किसी सदस्य को आवश्यकता हो, तब देखा जाए तो कायदे से इंश्योरेंस अमाउंट उसका समाप्त हो गया, वो पूरा क्लेम ले चुका है। लेकिन उसी समय जब उसका पूरा इंश्योरेंस अमाउंट खत्म होता है उसी समय कंपनी उतना ही इंश्योरेंस अमाउंट और उसको उसके पॉलिसी में डाल देती है। इसको हम बैकअप कह सकते हैं, जिस तरह से हम अपने लैपटॉप में बैकअप रखते हैं कि लाइट जाने पर, पावर कट होने पर हमारा प्रोग्राम बिगड़े नहीं या हमारा कार्यक्रम का काम हमारा चलता रहे, उसी तरह से इसमें भी ये बैकअप होता है जिसको हम रिस्टोरेशन के नाम से जानते हैं। तो रिस्टोरेशन में कुछ लिमिट्स हैं, उसकी दो लिमिट हैं कि पहला ये लिमिट है कि जो व्यक्ति पहली बार क्लेम ले चुका है वही व्यक्ति दूसरी बार अगर क्लेम लेगा तो पुरानी बीमारी जिसका वो क्लेम ले चुका है उसके लिए क्लेम उसका इंटाइटल नहीं होगा। इसको मैं सीधे से आपको बता देता हूँ, सेम पर्सन सेम डिसीज और एक्सीडेंटल, इन दो केस में हम रिस्टोरेशन की फैसिलिटी नहीं दे सकते। सेम डिसीज सेम पर्सन का एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसका इंश्योरेंस 5 लाख रुपया है, उस साल उसने पूरे 5 लाख रुपये का क्लेम ले लिया है, अब उसके पॉलिसी में वापस से कंपनी ने 5 लाख रुपए ऐड कर दिए, लेकिन अगर उसको उसी हार्ट के कारण दोबारा उसको तकलीफ हुई और वो दोबारा एडमिट हुआ तो उसे उसका रिस्टोरेशन का बेनिफिट का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कोई और प्रॉब्लम हुई या उसी की फैमिली के किसी दूसरे व्यक्ति को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा। और एक्सीडेंटल के केस में भी इसका बेनिफिट हम नहीं उठा पाते हैं रिस्टोरेशन वाला। कुछ और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, एक पोर्टेबिलिटी होता है एक सिस्टम कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आज मेडिक्लेम पॉलिसी है, वो अपनी कंपनी से संतुष्ट नहीं है या उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है,
तो वो अपने जो पॉलिसी है उसको किसी दूसरी पॉलिसी में दूसरी कंपनी की पॉलिसी में पोर्ट कर सकता है। ये उस कंपनी जो जिस कंपनी में वो पोर्ट करेगा उसके अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो कंपनी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, सामान्य प्रीमियम पर करती है या कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम उस पर लेती है, लेकिन पोर्ट करने की फैसिलिटी है। पहले ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। एक फ्री लुक एक फैसिलिटी है, फ्री लुक पीरियड। मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने मेडिक्लेम परचेस किया या कोई सा भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी अगर परचेस किया और उसे वो प्रोडक्ट पॉलिसी परचेस करने के बाद वो प्रोडक्ट उसे नहीं जमता है या वो उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वो पॉलिसी प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर वो पैसा अपना प्रोडक्ट या अपनी पॉलिसी वो सरेंडर कर सकता है, मतलब वापस कर सकता, सॉरी सरेंडर नहीं कर सकता, वापस कर सकता है। कंपनी उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी, जैसे कोई मेडिकल करवाया है, कोई स्टैम्प ड्यूटी कंपनी ने पे की है गवर्नमेंट को, वो काट करके सारा पैसा उसका वापस कर देगी। ये अधिकार क्षेत्र, ये अधिकार भी कंपनियों ने या गवर्नमेंट ने ग्राहकों को दिए हैं कि हम हमारा प्रोडक्ट लेने के बाद उसे वापस कर सकें अगर वो संतुष्ट नहीं है तो, लेकिन उसकी लिमिट है विद इन 15 डेज। एक और फैसिलिटी है जो इंश्योरेंस में खास करके मेडिक्लेम में आती है, वो है कैशलेस फैसिलिटी। पहले किसी समय, पहले की बात बार बार इसलिए हो रही क्योंकि आज का जो युग है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रोज कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। वो इतना फास्ट परिवर्तन हो रहा है कि याद रखना या उनको रोजाना ध्यान देना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए कैशलेस फैसिलिटी के बारे में भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले की तुलना इसलिए होती है क्योंकि पहले इतने ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ करते थे। अब गवर्नमेंट ने यह इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है तो यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कस्टमर का काफ़ी फायदा हुआ है और रेट जो प्रीमियम रेट है वो भी कई जगह काफ़ी कम हुए हैं। फैसिलिटी बढ़ी है और प्रोडक्ट की रेंज भी काफ़ी बढ़ी है, कई नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स आए हैं। और जो प्रोडक्ट पहले किसी समय गवर्नमेंट कंपनी सेल किया करती थी और एक छत्र उनका उस पर राज हुआ करता था, वो सारा वो एक छत्र राज टूट गया है और ये विकेंद्रीकरण हो गया सत्ता का यहाँ पर, तो इसके कारण कस्टमर को काफ़ी फायदा हुआ है। और अभी इंश्योरेंस सेक्टर में 74% FDI आने से आने वाले समय में भी नए नए प्रोडक्ट काफ़ी आएंगे और आप देखेंगे बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें होने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कैशलेस फैसिलिटी की। कैशलेस फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है कि आज हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने और हमारी इंश्योरेंस कंपनी का उस हॉस्पिटल से अगर टाइप है तो उस टाइप के अंतर्गत हम कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि हमें कोई पैसा उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। कंपनी को हम हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी बताएंगे और हॉस्पिटल को हम हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी बताएंगे और हॉस्पिटल अपनी इंश्योरेंस कंपनी से वो बात करके या वहाँ पर संपर्क साध करके और जो पेशेंट है या पेशेंट के जो परिवारजन है उनको वो कैशलेस की फैसिलिटी दे देगा। लेकिन ये कैशलेस की फैसिलिटी हमारा अधिकार नहीं है किसी भी कस्टमर का, इसलिए कई बार हॉस्पिटल्स उसको मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम इसमें कैशलेस नहीं दे सकते। टाई अप होने के बावजूद कई केस ऐसे सामने आए हैं कि हॉस्पिटल ने कैशलेस फैसिलिटी देने से इनकार कर दिया है। तो ये पूरी तरह हॉस्पिटल के अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो फैसिलिटी देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। फिर भी ये फैसिलिटी है तो इसका कई जगह लाभ मिलता है, अक्सर कैशलेस ट्रीटमेंट होते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेडिक्लेम का ये बेनिफिट तो हो गया लेकिन इसके जो लिमिटेशन हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है या जो एक्सक्लूजन है, क्योंकि कई बार ये बात सामने आती है, कई विवाद सामने आते हैं कि मेडिक्लेम में हमने मेडिक्लेम करवाया था लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया या कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, तो उसके पीछे शायद पूरी जानकारी उन लोगों को होती नहीं है। तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम एक्सक्लूजन लगाते हैं, क्या क्या हमारा वेटिंग पीरियड होता है कवर करने के लिए। इंश्योरेंस आज अगर हमने करवाया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आज से ही कवर हो गए हैं या हमने आज से ही फैसिलिटी लेना शुरू कर दी है। इंश्योरेंस अगर आज हमने करवाया, खास करके मेडिक्लेम की हम चर्चा कर रहे हैं, तो मेडिक्लेम में पहले 30 दिन हम किसी भी तरह के डिसीज कवर नहीं करते हैं।
कोई सी भी मेडिक्लेम पॉलिसी हो, किसी भी कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी हो, पहले 30 दिन हम इंश्योरेंस उसका कवर नहीं करते हैं डिसीज के लिए। अगर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है 24 घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए, तो हम इमीडिएट उसको कवर करेंगे। आज किसी ने अगर पॉलिसी ली है और कल उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो कवर होगा 100%। लेकिन अगर कल उसे कोई डिसीज हो जाती है, चाहे बुखार आ गया, तो वो कवर नहीं होगा। और कोई ऐसी डिसीज है जो थोड़ा लंबा चलती है तो वो आफ्टर 1 ईयर कवर होगी। 30 दिनों के भीतर कोई डिसीज अगर है और लंबी चलने वाला उसका ट्रीटमेंट है तो वो आफ्टर 1 ईयर कवर होगी, पहले साल बिल्कुल भी कवर नहीं होगी। मेरे ख्याल से शायद आपको ये क्लियर हुआ होगा, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। पहले 30 दिन के अंदर, आज अगर किसी व्यक्ति ने मेडिक्लेम परचेस किया है तो पहले 30 दिन के अंदर हम किसी भी तरह की बीमारी उसकी कवर नहीं करेंगे। एक्सीडेंट अगर होगा उस व्यक्ति का 30 दिन के अंदर तो वो हम कवर करेंगे। दूसरा एक्सक्लूजन है 2 ईयर का एक्सक्लूजन है, जिसमें 2 साल तक हम कुछ डिसीज कवर नहीं करते हैं। ये करीब 14 से 15 तरह की बीमारियां होती है, वो हड्डी से संबंधित, आंखों से संबंधित, महिलाओं की बीमारियां और आपका ENT से संबंधित, ये डिसीज हैं जो अगले 2 साल तक हम कवर नहीं करेंगे, चाहे उस व्यक्ति को पहले से हो या न हो। इसको भी एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आज किसी ने मेडिक्लेम लिया और 6 महीने बाद या साल भर बाद उस व्यक्ति को कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आ गई तो वो हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि कैटरेक्ट 2 साल के एक्सक्लूजन के अंतर्गत है। इसलिए कैटरेक्ट आज डेवलप नहीं हुआ है, धीरे 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 अंदर ही अंदर वो डेवलप होता रहा, तो वो हम इस तरह की जो डिसीज जो इमीडिएट डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे करके बढ़ती है हमारे शरीर में, उसको हम 2 साल बाद कवर करते हैं। इसमें 2 साल का एक्सक्लूजन है। इनके नाम आपको मैं बता देता हूँ, कैटरेक्ट है, हर्निया है, हाइड्रोसिल है, प्रोस्टेट, पाइल्स, फिशर, फिशुला, वेरिकोज वेन, वेरिकोज अल्सर, नी रिप्लेसमेंट, स्टोन निकालना, गॉल ब्लैडर से स्टोन निकालना, इस तरह के जो डिसीज हैं वो सब हम 2 साल बाद कवर करते हैं। तीसरा एक और एक्सक्लूजन है 4 साल का। 4 साल का एक्सक्लूजन काफी लंबा है, लेकिन ये केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिनको पहले से कोई डिसीज हो। आज अगर कोई मेडिक्लेम है किसी व्यक्ति का, अगर 2 साल पहले उसको BP, शुगर, थायराइड या और कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई है और उसने वो प्रॉब्लम लेने के होने के बाद मेडिक्लेम लिया है, तो ये सारी चीजें या ये सारी डिसीज और इससे होने वाली अन्य बीमारियां जो इसके जरिए पनपती हैं, वो सभी हम 4 साल तक एक्सक्लूड कर देंगे। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आज शुगर है और उसने 1 महीने बाद मान लीजिए पॉलिसी ली, या आज उसको शुगर है और उसने 1 साल बाद पॉलिसी ली, तो पॉलिसी लेने के पहले उसके बॉडी में शुगर थी या शुगर उसको प्रॉब्लम है, तो वो 4 साल के एक्सक्लूजन में जाएगी। शुगर या उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है उससे, उसे उसे अटैक आ सकता है, उसे आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी किडनी खराब हो सकती है, तो जो भी उसकी प्रॉब्लम हो उसके कारण अगर उसको हॉस्पिटल में 4 साल के अंदर अंतर्गत 4 साल के अंदर अगर उसे एडमिट होना पड़ा तो हम उसका किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये डिसीज है जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कहलाती, इंश्योरेंस करवाने के पहले से हमारे शरीर में मौजूद हैं या जिनका हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ले चुके हैं, ट्रीटमेंट लेकर के हमने बंद कर दिया है, कोई सर्जरी हो चुकी है और अब उसका हमने ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, या कोई एक्सीडेंट हो चुका हो, ये सारी डिसीज या ये सारी कंडीशन प्री एग्जिस्टिंग के अंतर्गत आती है, तो इसलिए उसको 4 साल का एक्सक्लूजन रखा है। ये सारी जनरल कंडीशन में बता रहा हूँ आपको, कंपनी टू कंपनी ये थोड़ा सा अंतर आ सकता है, ये बेसिक है बिल्कुल, इसके अलावा कुछ और अंतर आ सकता है। ये अभी तक जो मैंने आपको एक्सक्लूजन्स बताए हैं ये सब टेम्परेरी एक्सक्लूजन है, और अब है परमानेंट एक्सक्लूजन्स। परमानेंट एक्सक्लूजन्स में बहुत सारे एक्सक्लूजन हैं, जैसे आपको सुसाइड केस में कोई हम हेल्प नहीं कर पाएंगे मेडिक्लेम होते हुए भी, क्योंकि ये तो वैसे ही कॉमन लॉ के अनुसार अपराध है, तो जो भी अपराध होता है
उसमें किसी भी तरह का इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता है। सामान्य कमजोरी हो, कोई थकान हो या इस तरह के कोई प्रॉब्लम हो व्यक्ति को, तो वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है तो वो कवर नहीं होता। ये परमानेंट एक्सक्लूजन में बता रहा हूँ आपको। नेचुरोपैथी किसी तरह की हो, जैसे कहीं हम देखते हैं कि मिट्टी का लेप लगाया जाता है बॉडी पर, कहीं पर सन बाथ लिया जाता है, किसी और तरह से नेचुरोपैथी करते हैं, तो वो भी कभी भी कवर नहीं की जाती। कॉस्मेटिक सर्जरी हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी को परमानेंट एक्सक्लूजन में डाला गया है। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी अगर जीवन बचाने में काम आ रही है तो, या एक्सीडेंटल केस में काम आ रही है, तो हम जरूर उसको उसका लाभ देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका चेहरा बिगड़ गया उसमें, और उसे चेहरे को ठीक करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है, तो वो कवर होगी 100%। इसके अलावा जो और एक्सक्लूजन्स हैं वो हैं युद्ध और उससे संबंधित परिस्थितियां, जैसे कोई युद्ध हुआ या युद्ध होने की घोषणा हुई, या कोई विप्लव हुआ, आतंकवाद, दंगा, फसाद, विद्रोह, तख्ता पलट सेना का, इन सारे केस में हम मेडिक्लेम का फायदा नहीं दे सकते हैं, या कोई भी कस्टमर मेडिक्लेम का फायदा नहीं ले सकता। यहाँ भी यह परमानेंट एक्सक्लूजन की श्रेणी में आता है। चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस लगाना, हियरिंग एड्स, ये सब जो बाहरी खर्चे हैं, ये भी हम इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं। किसी भी तरह का दांतों का उपचार हम इसमें नहीं दे पाते हैं। दांतों का उपचार जैसे कैविटी फिल करवाना हो, या रूट कैनाल करवाना हो, या और कुछ करवाना हो, दाढ़ निकलवाना हो, दांत निकलवाना हो, तो मेडिक्लेम के अंतर्गत ये नहीं मिलता है। एक्सीडेंट के कारण अगर किसी व्यक्ति के जबड़े में चोट लगी है और उसके दांतों का ट्रीटमेंट करना पड़ा, तो वो 100% कवर होगा। इसी तरह विटामिन टॉनिक के खर्चे इसमें कवर नहीं होते हैं। किसी भी तरह के मानसिक रोगों का इलाज उसमें कवर नहीं होता है। और न्यूक्लियर वेपन या रेडिएशन या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कवर नहीं होती हैं। एड्स और उससे रिलेटेड HIV, ये सब चीज़ें भी कवर नहीं होती हैं। ये कवर नहीं होती, ये मैंने आपको इसलिए बताया है, इस पर ज़्यादा जोर दिया है कि इनके अलावा जो कुछ है वो सब कुछ कवर होता है। तो कवर होने की जो संख्या है वो ज़्यादा है और अनलिमिटेड है, नहीं कवर होने की संख्या कम है, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं कवर होते हैं वो पहले बताया। एक और बात बता दूं, किसी भी तरह के हॉस्पिटल के बिल में किसी भी तरह के सरचार्ज, सर्विस टैक्स या कोई टैक्सेस लगे हों तो वो भी कवर नहीं होते हैं। कुछ और चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे टेलीफोन चार्जेस हुआ या रजिस्ट्रेशन चार्जेस हुआ, तो ये भी कवर नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी कुछ इसमें डिटेल पता चल गए हैं, और मेडिक्लेम को अब मैं यहीं पर विराम दूंगा और अगला टॉपिक मैं आपको लेता हूं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड देखा जाए, अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि बचत तो हम सभी कर लेते हैं, सैलरी भी सभी की या इनकम भी सभी की बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन सेविंग नहीं हो पाती। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में बहुत अंतर है, आज दोनों को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सेविंग वो अमाउंट, वो योजना है जो जिस पर एक साधारण ब्याज या मतलब एक छोटा सा ब्याज, जिस छोटा सा ब्याज, या हम केवल हमारा अमाउंट बस सेव करके रखना चाहते हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए, उस पर कोई हमें बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, या हमारे आने वाले जो लक्ष्य हैं उनकी वो भरपाई या उनका लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए हमारा लक्ष्य है बच्चों की एजुकेशन, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए जो हम सेव करेंगे वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि महंगाई दर भी साथ साथ बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो आपकी सेविंग को खा जाता है पूरी तरह। तो इन्फ्लेशन को हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट में यही मूलभूत अंतर है कि सेविंग जो होता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, और इन्वेस्टमेंट हमारा इन्फ्लेशन को बीट करता है। तो
ऐसे हमको प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें या ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम जाने जो सेविंग के अलावा सेविंग के अतिरिक्त हों या सेविंग से ज्यादा बेहतर समय समय पर दे सकें, जिनसे हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएं या हम अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच जाएं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं? वर्तमान समय में इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है या जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो योजनाओं की बाढ़ आ गई है, तो वो पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि हमारे लिए कौन सा उपयुक्त है। इसके लिए मैं आप सबको ये एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि हमें उस पैसों का करना क्या है, कोई लक्ष्य उसके लिए बनाएंगे, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये पैसे हम बचा रहे हैं तो क्यों बचा रहे हैं, और उस लक्ष्य के आधार पर ही हमको ये देखना पड़ेगा कि हमें उस लक्ष्य के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है फ्यूचर में। और अगर हम कोई सेविंग प्लान लेते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं तो उस लक्ष्य को हम उससे पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको आज वर्तमान समय में शेयर मार्केट में जाना ही पड़ता है या जाना ही पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट बड़ा दर्द देने वाला है या बड़ा परेशान करने वाला है, रातों की नींदें खराब हो जाती हैं उनकी, तो ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में, और शेयर मार्केट खतरनाक नहीं है, बस आप अपने मन में ये बात निकाल दें मन से कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही डूबता है। कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो शेयर मार्केट में होने के बावजूद पैसा नहीं डूबता है। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बात कहूँ तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट का रूप होते हैं, तो ट्रस्ट का जहाँ तक गठन का सवाल है, ट्रस्ट का पैसा कभी नहीं डूबता है, कभी कोई लेकर नहीं भाग सकता, कोई कंपनी उसको डूबा नहीं सकती या कोई कंपनी डूब नहीं सकती। तो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड बेसिकली शेयर मार्केट पर ही निर्भर करते हैं। शेयर मार्केट के मामले की जब बात होती तो हर व्यक्ति को बड़ी चिंता लगी रहती है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब कि पैसा डूबोना एक तरह से, पर डायरेक्ट शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो व्यक्ति डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, मतलब डीमैट अकाउंट खोल करके शेयर खरीदते हैं, उनके साथ रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। और म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके म्यूचुअल फंड के साथ में रिस्क काफ़ी कम होती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि शेयर मार्केट में हम हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे टाइम के हिसाब से या हम हमारे बजट के हिसाब से पैसा लगाते हैं तो वो काफ़ी छोटा पैसा होता है और हम उस पैसे में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए एक हमने SBI के शेयर लिए, तो हमको ये हमारा बिलीव रहता है कि SBI गवर्नमेंट की कंपनी है या गवर्नमेंट का बैंक है तो ये पैसा काफ़ी सुरक्षित रहेगा या काफ़ी अच्छा चलेगा, काफ़ी रिटर्न अच्छे रिटर्न देगा। लेकिन शेयर मार्केट के लिए ये सारी बातें उल्टी हो जाती हैं, वहाँ पर न तो गवर्नमेंट की कंपनी चलती है और न किसी तरह की कोई गारंटी मिलती है और न ये हम सोच सकते हैं कि हाँ ये शेयर जो हमने लिया ये चलेगा ही। वहाँ पर कब क्या हो कोई नहीं बता सकता, किसी कंपनी का CEO भी नहीं बता सकता है, RBI का गवर्नर भी नहीं बता सकता और SEBI का चेयरमैन भी ये नहीं बता सकता है कि कल मार्केट में क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इसलिए रिस्क हमको कम से कम लेना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय, और उसका एकमात्र तरीका है थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कई सारी कंपनियां हैं और कई सारी स्कीम है, करीब 1,500 के आसपास स्कीम है। तो इन सब स्कीम को कैटेगराइजेशन का काम किया है SEBI ने। SEBI ने करीब 36 तरह की स्कीम्स बनाई हैं या कैटेगराइज्ड कर दी हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, एक डेट म्यूचुअल फंड है और एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। तो इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स, डेट का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, कॉरपोरेट सेक्टर के बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, और हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर। तो जब इक्विटी की हम बात करते हैं तो इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर मार्केट, और इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जो ऐसी स्कीम्स जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। और इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ये भी होता है कि जो टोटल कॉर्पस का
शेयर किसी कंपनी के पास मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए हैं, तो वो 5,000 करोड़ रुपए का 60% या उससे ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो इक्विटी फंड होंगे या इक्विटी ओरिएंटेड फंड होंगे, सॉरी वो 65% है, 65% से ज्यादा, मान लीजिए 100 रुपए हैं मेरे पास और मैं 65% से ज्यादा पैसा या 65% कम से कम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में सारा पैसा इक्विटी में लगता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कम से कम 65% पैसा इक्विटी में लगेगा, मतलब शेयर्स में लगेगा, और जो भी जिस भी कंपनी के हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसकी जो स्कीम होती है उस स्कीम का एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, और पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए हमारे पास एक फंड मैनेजर होता है जो काफ़ी स्किल्ड पर्सन होता है अपने फील्ड में और प्रोफेशनल होते हैं। आपका जो फंड मैनेजर है उसके साथ में करीब 10 से 12 लोग और होते हैं जो उसके अंडर में होते हैं, और वो कई तरह के रिसर्च करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट के आधार पर फंड मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, फंड मैनेजर और वो टीम मिलकर के डिसाइड करती है कि किस सेक्टर में और किस सेक्टर की किस कंपनी में कितना प्रतिशत पैसा टोटल कॉर्पस का लगेगा और कितना हम आगे किसी और इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे, जैसे कि डेट में या मनी मार्केट फंड में या कैश हम रख सकते हैं समय समय पर खर्चों के लिए, या कोई पैसा जब कोई स्कीम से बाहर होता है कोई व्यक्ति तो उसको देने के लिए कैश भी जरूरी है। तो ये फंड मैनेजर तय करता है। हर कंपनी में म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं, डेट के अलग होते हैं, इक्विटी के अलग अलग होते हैं, और कई कंपनियां फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उनके फंड मैनेजर फॉरेन इक्विटी वाले फॉरेन के फंड मैनेजर होते हैं। तो सबसे पहली बात यह हो गई कि इक्विटी फंड हमारे जिसमें 65% से ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो इक्विटी फंड कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे फंड हैं जो डेट फंड, तो वही सिद्धांत हम लगा सकते हैं कि 65% से ज्यादा अगर डेट में लगाया जाए तो वो डेट फंड कहलाते हैं। इनमें रिस्क शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव की कम रहती है, लेकिन आपके डेट मार्केट में ज्यादा रिस्क होती है जो भारत में नहीं समझा जाता है। अगर यही हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में डेट मार्केट को सब लोग अच्छी तरह समझते हैं, यहाँ पर उसको ऐसे बेचा जाता है कि ये FD का प्रोडक्ट है, आपको FD जितने रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन कई बार उसमें उल्टा काम भी हो जाता है और FD के रिटर्न भी माइनस में हो जाते हैं। तो इसलिए डेट फंड ज़्यादा खतरनाक है इक्विटी फंड के मुकाबले। इक्विटी फंड का तो हमें पता रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा लाभ होगा और मार्केट नीचे आएगा तो हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन डेट फंड के बारे में पता नहीं होता है। डेट फंड की में भी कुछ रिस्क होती है, कंपनी की रिस्क रहती है, इंटरेस्ट रेट की रिस्क होती है। गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो उनके रिटर्न कम हो जाते हैं डेट फंड के, और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो उनके रिटर्न बढ़ जाते हैं, तो ये रिस्क भी उनके साथ लगी रहती है। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क लगी रहती है और डिफॉल्ट होने की रिस्क भी उनके साथ लगी रहती है। कई सारी कंपनियां अभी डिफॉल्ट हो गई हैं, उनको क्रिसिल जैसी कंपनियों ने रेटिंग दी है AAA, लेकिन फिर भी वो डिफॉल्ट हो गई, तो उसमें ज़्यादा रिस्क होती है। लेकिन यहाँ पर भारत में ऐसा ट्रेंड है कि वो डेट मार्केट सुरक्षित है जबकि डेट मार्केट ज़्यादा अनसेफ है या ज़्यादा असुरक्षित है इक्विटी मार्केट के मुकाबले। एक हो गया हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है। हाइब्रिड फंड भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड जिसमें 65% से ज़्यादा इक्विटी रहे, और डेट ओरिएंटेड जिसमें 65% से ज़्यादा डेट रहे। तो ये तीन मोटा मोटा क्लासिफिकेशन मैंने आपको म्यूचुअल फंड का बताया है। और म्यूचुअल फंड में और कई तरह की फैसिलिटी होती है या उसका हम लाभ ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये ट्रस्ट का रूप होते हैं, तो कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लेकर के भाग नहीं सकती। भारत सरकार ने ऐसे इंतजाम कर रखे हैं कि किसी भी कंपनी को, चाहे वो विदेशी कंपनी हो यहाँ पर काम कर रही हो या देशी कंपनी हो, म्यूचुअल फंड का पैसा वो भाग नहीं पैसा लेकर के जनता का पैसा लेकर के वो भाग नहीं सकती है।
अगर वो काम अपना बंद करना चाहती है तो कोई बड़ी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेगी और वो उनका पैसा, इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित रहेगा। जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसी तरह से वो ग्रो करता रहेगा, पैसा डूबेगा भी नहीं बिल्कुल। दूसरा, इसमें चूंकि वो ट्रस्ट होते हैं तो ये सब नियम इसी के लिए हैं, क्योंकि ट्रस्ट है तो ट्रस्ट हमारे यहाँ बहुत ट्रस्टवर्दी है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरे, अदर हम अगर इनकी तुलना म्यूचुअल फंड की तुलना अदर असेट क्लास से करें, खास करके जनरली हम तुलना करते हैं एफडी से, क्योंकि ज्यादातर हमारे सामने अभी एफडी ही है और एफडी ही आती है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है और बच्चा बच्चा एफडी को जानता है, तो हम इसकी तुलना एफडी से करते हैं। कई लोग एफडी से एफडी के मुकाबले इसमें पूछते हैं कि कितना रिटर्न आएगा, तो ये अनसर्टेनिटी है, कोई एश्योर्ड रिटर्न म्यूचुअल फंड में होता नहीं है। लेकिन एक बात है कि म्यूचुअल फंड में आप जितना लंबा पैसा रखेंगे और जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स बनने के चांसेस हैं। टैक्स इफिशिएंट भी म्यूचुअल फंड काफ़ी होते हैं, क्योंकि हम फिर वहीं अदर असेट क्लास से उनकी तुलना करते हैं, जैसे एफडी से करते हैं तो एफडी में टैक्स टीडीएस होता है, म्यूचुअल फंड में टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन टैक्स तो म्यूचुअल फंड में भी देना पड़ता है, हालांकि काफ़ी कम देना पड़ता है। एफडी में मान लीजिए आपने एफडी की एक साल की और आपने एफडी एक लाख रुपए की और 6% उस पर इंटरेस्ट अर्न किया, तो 6% मतलब 6,000 रुपया, तो 6,000 रुपया आपकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। अब आप अगर 10% टैक्स स्लैब में हैं तो उस पर आप 10% टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, और 30% की स्लैब में हैं तो आप उस पर 30% टैक्स देंगे। तो इस तरह से एफडी देखा जाए तो पहले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 से 6% है, उल्टा उस पर जो हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं इन्वेस्टर उनको 30% या 20% तक उसमें टैक्स देना पड़ता है, तो पोस्ट टैक्स यील्ड उसकी और कम हो जाती है। तो एफडी इस हिसाब से, आज के हिसाब से या इस लिहाज से बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है रिटर्न पर्पज से। सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन रिटर्न पर्पज से एफडी अब उतना आकर्षक नहीं रह गया है जितना पहले किसी समय हुआ करता था। इसी तरह से लिक्विडिटी हमारे पास बहुत होती है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आप आज जितना भी पैसा लगाएं उसको तत्काल निकाला जा सकता है, उसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, इसलिए हम उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। तो जब इमरजेंसी आती है हमारे पास, फाइनेंशियल इमरजेंसी कुछ ऐसी हो, तो उस समय हम इस पैसे को सारा निकाल करके उपयोग में किया जा सकता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि म्यूचुअल फंड में जिस व्यक्ति ने रिटर्न कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है और अगर उसने शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल लिया है तो वो उसका रिटर्न का उतना लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए हमारा ये कहना रहता है सभी से कि इमरजेंसी के लिए आप एक लिक्विड फंड तैयार करें अपना, या इमरजेंसी फंड तैयार करें, ताकि जो भी आपके इमरजेंसी के काम हो वो आपको उस इमरजेंसी फंड से हो जाए और आप अपना इन्वेस्टमेंट आपका खराब नहीं हो, आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कंटिन्यू चलता रहे और आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे। तो लिक्विडिटी, बाकी असेट क्लास में लिक्विडिटी नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूँ, रियल इस्टेट में, रियल इस्टेट में आप काफ़ी पैसा लगा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के रूप में भी लगाया जा सकता है, लेकिन वहाँ लिक्विडिटी नहीं है। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक खूबी होती है और हर प्रोडक्ट के अपने कुछ नुकसान होते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट किसी से बेहतर हो ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट की अच्छाई या बुराई हम तय कर सकते हैं या तय करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए एफडी ज़्यादा उपयुक्त है और किसी व्यक्ति के लिए शेयर मार्केट के शेयर्स ज़्यादा उपयुक्त है या म्यूचुअल फंड ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये तुलना नहीं की जा सकती कि एफडी ज़्यादा अच्छी है या म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है या शेयर ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको बता रहा था लिक्विडिटी का एक और उदाहरण कि आपको रियल इस्टेट में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल इस्टेट में अगर मान लीजिए हमको पैसा इमीडिएट चाहिए तो हम पूरी प्रॉपर्टी हम बेचेंगे तब जाकर के हमें वो पैसा मिलेगा। हम उसमें से कोई पार्शल पेमेंट नहीं ले सकते या कोई पार्शल उसका पार्ट नहीं सेल आउट किया जा सकता है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आपके पास जितने यूनिट्स आपने वहाँ आप अर्न की या जितने आपके पैसे वहाँ पर म्यूचुअल फंड में हैं जो वैल्यू है उसका आप कुछ पार्ट भी निकाल सकते हैं और आप उसे पूरा पैसा भी निकाला जा सकता है। ये इसकी खूबी है काफ़ी। दूसरा, इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट
भी हो सकता है, मतलब बहुत छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड की एक और ये खूबी है कि अभी आपने काफी समय से देखा होगा, करीब 4 से 5 साल पहले से एक विज्ञापन आ रहा है टीवी पे, म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है, इस विज्ञापन के कारण भी म्यूचुअल फंड काफी पॉपुलर हुए हैं और लोग जानने लगे हैं, मतलब बच्चा भी जानता है कि म्यूचुअल फंड सही है का विज्ञापन आया है तो वो क्या कहना चाह रहा है। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड अभी सेबी ने काफी कुछ परिवर्तन किए हैं। अब छोटे से छोटा व्यक्ति जो, मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर है, वो भी अगर अपना म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट के रिटर्न्स का लाभ लेना चाहता है तो वो भी अपना लाभ उसमें से कमा सकता है या उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पहले किसी समय ये ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो अब 100 रुपये मात्र से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, 100 रुपये प्रति महीना ये SIP के रूप में हम कर सकते हैं। तो इतना छोटा इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। इसके कारण ये फायदा हुआ कि छोटे से छोटा इन्वेस्टर जो अभी तक म्यूचुअल फंड के या शेयर मार्केट के बेनिफिट से वंचित था, वो भी अब मार्केट में आने लगा है और हमारे इकोनॉमी को मजबूत करने लगा। तो ये काफी इसके फायदे हैं। एक और सबसे बड़ा फायदा जो है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता है, क्योंकि इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को वैसे बखान करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको कितने भी उदाहरण दे दूं, पर जब तक आप इस चीज को महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या एक्चुअली, म्यूचुअल फंड में कैसे काम करती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो ब्याज पर ब्याज का कॉन्सेप्ट है। हमने जो ब्याज कमाया है उस पर हमें ब्याज मिलेगा। मान लीजिए आपने FD की 6% ब्याज मिला, 6,000 रुपया, 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो 6,000 रुपया जो ब्याज आपको मिला, उस 6,000 पर फिर 6,000 रुपया ब्याज मिला, सॉरी फिर 6% ब्याज मिला। तो वो ऐसे करते करते आप सालों तक वो ब्याज पर ब्याज आप अर्न करते रहे, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। पर यहाँ पर म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट्स के रूप में म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं। तो जितनी हमारी यूनिट्स होंगी उतना हमारी वैल्यूएशन बढ़ेगी। मतलब ये हुआ कि आज किसी व्यक्ति ने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया और उसको कुछ यूनिट्स अलॉट हुए, अब वो यूनिट अगर वही रखेगा तो यूनिट के साथ में उस जो स्कीम है उसका जो रेट है, जिस रेट पर उसने परचेस की थी, समय के हिसाब से वो बढ़ेगी। लेकिन अगर उसकी यूनिट बढ़ेगी साथ में तो उसको ज्यादा फायदा होगा। तो यूनिट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम उसको लमसम परचेस कर सकते हैं या SIP के थ्रू हम परचेस कर सकते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो गेम है वो 5 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद समझ में आता है। कम से कम आप 5 साल उस पैसे को रखें और 5 साल बाद जब मार्केट बढ़े तब आपको एक्चुअल में वो समझ में आएगा कि व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जिस कारण से इसका लाभ दिन पर दिन बढ़ता जाता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, और अगर आप में से कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा बना सकता हूँ म्यूचुअल फंड के लिए, म्यूचुअल फंड के जरिए, तो बिल्कुल भ्रांति है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको काफ़ी धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने आपका, और आपको उसको डेली ट्रैक नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि डेली देखते हैं कि मेरा पैसा कितना बढ़ा है। कई सारे ऐसे ऐप्स और ऐसी वेबसाइट आ गई हैं, ऐसे कैलकुलेटर आ गए हैं कि वो आपको बता देते हैं कि आज आपका पैसा, आपने 1,00,000 रुपया लगाया था 2 महीने पहले, तो आज इतना हो गया, कल इतना हो गया, परसों इतना हो गया। तो उसमें तो हम अपना BP बढ़ाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे, फायदा तो उठा नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपना BP नहीं बढ़ाएं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करें, क्योंकि मार्केट किसी के हाथ में नहीं है और किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि मार्केट को थोड़ा सा समय दिया जाए, उसका थोड़ा उसमें म्यूचुअल फंड या इक्विटी प्रोडक्ट, जो भी आपके इक्विटी शेयर्स हैं, ETF हैं, जो भी आपके इक्विटी प्रोडक्ट हैं, उनमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ऐसा पैसा हो जो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, या 2-3 साल के लिए चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करना, या आपको ऐसा लगता है कि ये 2 साल बाद मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें उसके लिए इक्विटी बिल्कुल भी सही प्रोडक्ट नहीं है। उसके लिए आपको डेट फंड या FD की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि काफी कुछ
मैंने आपको बताया है, कुछ और पॉइंट छूट गए हैं। एक म्यूचुअल फंड के बारे में एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड जनरली नीड, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं वो नीड बेस्ड स्कीम्स हैं, मतलब आपकी जो जरूरत होंगी वो सारी स्कीम, आपका जो समय होगा वो सारा समय उसमें मिलेगा, आपकी जो जरूरत होंगी वो सारी जरूरत की सभी स्कीम्स मिलेंगी। जैसे बच्चों के प्रोडक्ट हैं, आपको पेंशन के प्रोडक्ट हुए, मंथली इनकम स्कीम के प्रोडक्ट हैं, मंथली इनकम की किसी को जरूरत है तो वो प्रोडक्ट हैं, टैक्स सेविंग बात छूट गई थी, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसके अंतर्गत हम इस पर टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, लेकिन वो लिमिट वही है 1.5 लाख रुपया। तो कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो केवल 80C के लिए ही बनी होती हैं और वो ओपन एंडेड होती हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये होगा कि आप उसको कभी भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि 3 साल उसका लॉक इन पीरियड रहेगा, तो 3 साल के लॉक इन के बाद ही आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो वो जो लॉक इन वाली स्कीम्स हैं वो ELSS होती हैं ज्यादातर, और ELSS में चूंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसीलिए उससे 3 साल से पहले हम बाहर नहीं आ सकते। और सबसे कम समय टैक्स बेनिफिट के साथ, सबसे कम समय में मैच्योरिटी या फ्री होने वाली, लॉक इन से फ्री होने वाली स्कीम है वो म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम्स होती है। बैंक FD भी अगर आप टैक्स सेविंग के लिए करेंगे तो वो 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, और इंश्योरेंस PPF तो लॉन्ग टर्म के हैं ही अपने साथ, NSC भी 5 ईयर्स का है। तो इसलिए ELSS सबसे कम है, 3 साल का ही लॉक इन है और इसमें टैक्स सेविंग होती है अंडर सेक्शन 80C। और म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरीज हैं जो अभी 2018 जून 2018 में सेबी ने तय की हैं कि करीब 36 कैटेगरी में म्यूचुअल फंड को बांटा गया है, और वो 36 कैटेगरी के को देखते हुए ही हम मतलब जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी स्कीम का चुनाव कर सकते हैं कि उनको किस स्कीम में पैसा लगाना है और कितना वो रिस्क ले सकते हैं, कितना पैसा वो लगा सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं। ये सब बातें उस पर मायने रखेंगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक और बात है, SIP की बात छूट गई है। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बहुत पावरफुल टूल है और अभी काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी अभी SIP का जो फ्लो है उसका आंकड़ा तो खैर मुझे ध्यान नहीं है, पर किसी समय आज से 5 साल पहले FII जब आकर के पैसा निकालते थे तो मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता था, और अब FII अगर पैसा निकाल भी रहे हैं तो हमारा SIP का फ्लो इतना ज़्यादा है, उससे जितना पैसा वो निकालते हैं उससे ज़्यादा फ्लो पर मंथ का SIP का है, जो SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है मार्केट में पैसा। तो इसलिए मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा अंतर अब पड़ता नहीं है, क्योंकि जितना पैसा वो निकालते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा हम SIP के थ्रू हर महीने पैसा उसमें इक्विटी मार्केट में डालते हैं। तो SIP ऐसा टूल है कि जिस व्यक्ति के पास लमसम पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करने का वो SIP के थ्रू कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये प्रति माह से भी SIP स्टार्ट हो सकती है, और SIP में भी आप अपने सपनों को पूरा करने कर सकते हैं, उसमें भी पूरी ताकत है सपनों को पूरा करने के लिए। SIP और लमसम दो एक सिस्टम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं, SIP कोई स्कीम नहीं है। SIP सिस्टम एक तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का, लमसम हम कर सकते हैं कभी भी, लेकिन जिस व्यक्ति के पास लमसम नहीं है पैसा, जिसके पास मंथली जो चाहता है कि मैं मंथली पैसा करूं इन्वेस्टमेंट और लमसम नहीं दे सकता, उसके लिए SIP बेस्ट है। तो वो मंथली एक सर्टन डेट को सर्टन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से निकल करके इन्वेस्टमेंट हो जाता है और हमको उसकी एक आदत लग जाती है कुछ समय बाद, और एक अनुशासन उसमें बना रहता है कि हर महीने इन्वेस्टमेंट एक तारीख को जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मार्केट की स्थिति कहीं भी हो, मार्केट कितना भी ऊपर हो कितना भी नीचे हो, इन्वेस्टमेंट जरूर होता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो देखते हैं मार्केट को, टाइम कर लेते हैं कि मार्केट तो अभी बहुत ऊपर है, अभी नहीं करेंगे, जब नीचे आएगा तब करेंगे। लेकिन जब नीचे आता है तब फिर ऐसी र्यूमर रहती है बाजार में कि अभी तो और आएगा, तो वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए SIP बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया है, ताकि मार्केट किसी भी कंडीशन में रहे आप उसमें इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं कम से कम एक अनुशासन तरीके से, तो आपका इन्वेस्टमेंट कम स्तर पर भी होगा, अधिक स्तर पर भी होगा, और एक बैलेंस बना करके वो आपका चलेगा। तो
मेरे ख्याल से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने सरल शब्दों में बहुत विस्तृत जानकारियां दी और निश्चित तौर से ये बहुत उपयोगी रहेगी। प्रिंसिपल सर की व्यस्तता के कारण मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अनिता मनचंदिया को बुलाना चाहूंगी। मैडम प्लीज। धन्यवाद आभा दीक्षित मैडम। आज के इस IQAC और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित ई ट्रेनिंग ऑन फाइनेंशियल लिटरेचर में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी और मैडम अंकिता नामदेव जी की। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सरल और अच्छे शब्दों में सारी जानकारी देने के लिए। मेरा ज्ञान बहुत ज्यादा तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर गुस्ताखी करूंगी बोलने की। मेडिक्लेम के ऊपर जैसा कि हम कई बार अभी देखते आए हैं कोरोना काल में, तो बहुत ज्यादा अनुभव किया है लोगों ने, और वैसे भी मेडिक्लेम की पॉलिसी लेते समय बहुत ज्यादा हम जानकारी नहीं लेते हैं उस बारे में, कब ये एप्लीकेबल होगी। कई पॉलिसी ऐसी रहती है कि आज आपने ली है तो दो दो तीन तीन साल के बाद वो एप्लीकेबल रहती है, आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। कुछ पॉलिसीज ऐसी रहती है कि आपको किस हॉस्पिटल में यूज होगी, किस में नहीं होगी, ICU में कितना यूज होगा, कौन से ICU में यूज होगा, जनरल वार्ड का ICU जो होता है वहां यूज होगी, या VIP या दूसरे ICUs जो रहते हैं इसके प्राइवेट ICU में यूज नहीं होगा। कई सारी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें रहती हैं उसमें, जो बातें हम नहीं समझ पाते हैं। और जहां तक मैंने देखा है या ऑब्जर्व किया है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई हमारा परिचित या हमारा परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज है, हम वहां जब अपनी पॉलिसी रखते हैं उनके सामने, तब चीजें समझ में आती हैं। तब ऐसा लगता है कि कई चीजें हम अभी तक गलत करते आ रहे थे। तो एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जब मेडिक्लेम पॉलिसी हम लेते हैं तो उसकी बारीकियों को समझ के लें, ये कब एप्लीकेबल हो भी। कई बार हम ये रहता है कि हम अपने कुछ डिसीजेस को छुपा देते हैं कि हम हमारे परिवार में या किसको क्या प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ लीवर की प्रॉब्लम्स रही हैं या ऐसी कोई डिसीजेस रही हैं पूर्व में, हम उसका व्यक्तिगत रूप से खर्च करके इलाज कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं छोटी छोटी, ये हमारा भी दायित्व बनता है कि जब हम पॉलिसी लें तो उसमें कोई भी जानकारी को छुपाए ना, झूठ ना बोले उसमें, और उससे लाभ लेने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको, छोटी छोटी इसी चीजों को सबको, आपके पास जो भी एजेंट हमारे पास आता है उसको समझें पूरी तरीके से। कई बार ये धोखा हुआ है लोगों के साथ, देखा है कि करवा ली पॉलिसी और एक साल बाद उन्होंने जब क्लेम करने गए तब उन्हें पता लगा कि नहीं, ये तो एक साल तक वैलिड ही नहीं थी। अकॉर्डिंग टू एज, एज भी जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपके पास पॉलिसीज का रूप भी बदल जाता है मेडिक्लेम पॉलिसी का। तो एक सबसे ज्यादा जरूरी है तो मेडिक्लेम भी बहुत कम उम्र से, एटलीस्ट बच्चे जब आज जॉब में लगते हैं तो उसी समय से पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो फैमिली मेडिक्लेम पॉलिसीज जो रहती हैं बच्चे जब तक छोटे हैं वो लेके रहें, और यदि बच्चे बड़े हो गए जॉब में आ गए हैं तो तुरंत उनको मेडिक्लेम करवा लेना चाहिए अपना, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है पॉलिसीज लिमिटेड होती चली जाती हैं और फिर समझ में नहीं आता है कि इसमें से अब कौन सी ली जाए, कौन सी कितने समय तक वैलिड रहेगी नहीं रहेगी। तो एक जॉब में आते से ही बच्चों को भी हम ये प्रेरित करते रहे हमेशा कि नहीं, आप मेडिक्लेम करवा के रखो। कई बार ऐसा लगता है कि क्यों फालतू खर्चा करें, पहले के समय में तो ये कहा भी जाता था कि क्यों इतना इतना पैसा मेडिक्लेम में दिया जाए, पर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो सब बातें अब पीछे छूट चुकी हैं। आजकल हर कोई ये समझता है कि नहीं, बीमारी वक्त और उम्र पूछ के नहीं आ रही। तो हम भी अपने परिवार में यदि हमारे बच्चे जॉब में आ जाते हैं तो उन्हें ये प्रेरित करें कि पॉलिसी लेके चलें, मेडिक्लेम पॉलिसी वो खुद भी लें, पेरेंट्स की भी लें, और उन उसकी बारीकियों को समझ के लें। ऐसा नहीं आपके पास कोई भी आया उसने आपको कुछ लालच दिया और आपने हाँ ठीक है
बिना सोचे समझे पॉलिसीज ले ली नहीं, पूरी बारीकियों को उसको समझे, ताकि जब कभी भी आपका कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, आप पॉलिसी उसके सामने रखते हैं, तो आप उसके सारे जो इन एंड आउट्स है वो उससे डिस्कस कर सकते हैं वहां बैठ करके। एक ये बहुत अच्छी रही ट्रेनिंग, मैं मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इसके लिए, और निश्चित रूप से हमारी छात्राओं ने भी बहुत लाभ लिया होगा इसका। और दूसरी बात थी लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की। लाइफ इंश्योरेंस तो शायद बहुत जल्द सभी लोग समझ जाते हैं, और मेरे ख्याल से हमारी पहले की पीढ़ी, उसके भी पहले की पीढ़ी लाइफ इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा परिचित थी। जब केवल LIC हुआ करता था, हम कहते थे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में जो लेना है इंश्योरेंस वो LIC जो है वो ही देगा, पर नहीं, अब धीरे धीरे इतनी प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं इसमें कि वो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज उससे भी हम ले सकते हैं। तो वो भी एक जरूर एक ले के रखना चाहिए, वक्त कभी इंसान पे पूछ के नहीं आ रहा इस समय। एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड के बारे में जो जानकारी हमें मिली है शेयर मार्केट में, एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो होता है वो शेयर मार्केट में, जैसा सर ने भी कहीं कहीं बताया है कि हम FD में ज्यादा विश्वास करते हैं, शेयर मार्केट में हमारा विश्वास कम रहता है, पर प्लानिंग करके यदि आप शुरू से चले SIPs में इन्वेस्ट करते रहे, लॉन्ग टर्म के लिए SIPs आपकी चलती रहे, आप ब्लॉक ना करें, क्योंकि अभी कई बार ये हुआ कि जब कोरोना काल का समय था तो शेयर मार्केट एकदम डाउन हो गया था, म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्ट किए हुए थे उनकी वैल्यूज डाउन हो गई थी, तो काफी घबराहट थी लोगों में कि पूरा शेयर मार्केट डूबता जा रहा है, पर नहीं, आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए शेयर मार्केट पूरा काफी पीक पर चल रहा है इस समय। तो एक सिस्टमैटिक प्लान लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़े, छोटे छोटे जैसे सर ने बताए कई सारे प्लान्स हैं, हम नहीं समझते उनको, पर जो व्यक्ति जानकार है, जबकि अभी भी हम सोचते हैं इन चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना, और नेचुरली एक सर्विस क्लास व्यक्ति की तो हार्ड मनी रहती है, वो तो बहुत सोच समझ के कदम उठाता है इसमें, तो एक बहुत अच्छे किसी भी जानकार व्यक्ति से पूरी जानकारी लेकर के ही अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ऐसा न हो कि कुछ समय बाद जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता है तो आप हाथ मलते हुए रह जाएं। और कुछ एक मुझे भी जहां तक थोड़ा सा पता है कि मेरी बात नहीं हो पाई सर से, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि इसमें कुछ ऐसा शायद लिमिट भी रहती है म्यूचुअल फंड्स में, कि आपका कुछ यदि 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया कुछ लिमिट रहती है, कि यदि आपका प्रॉफिट हो चुका है तो आपको इसको शिफ्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं, वो मैं अभी भी सर से पूछना चाहूंगी, सर यदि शो में हो तो मेरी इस क्वेरी को भी सॉल्व करें सर, कि ऐसा कुछ जरूरी रहता है क्या कि आपने जिसमें एक किसी में म्यूचुअल फंड किसी एक कंपनी में लगा रखा है तो उसको आप चेंज करें एक डेफिनेट प्रॉफिट के बाद, ये मेरी खुद की क्वेरी है सर। पर ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, हम पैसे का इन्वेस्टमेंट जब भी करें बहुत सोच समझ के करें, जैसा सर ने भी बताया अभी कि म्यूचुअल फंड एजुकेशन के लिए यदि हमें बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है तो बहुत जरूरी भी है आजकल के समय में, हम देख रहे हैं कि फी स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उतना पैसा एक साथ निकालना बहुत मुश्किल होता है, हालांकि गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, लोन्स देती है, सब कुछ है, पर हम शुरू से ही एक बच्चों के नाम से कुछ लेकर के चले कि एक डेफिनेट अमाउंट हमें म्यूचुअल फंड्स में डालना है जो बच्चों के एजुकेशन के समय लिए हमें काम आ सके। तो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो सर ने भी बताई, मैडम ने भी बताई है हमें, उन सबको मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और निश्चित रूप से हमारा जो भी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं वो इससे लाभान्वित हुए होंगे, और वे स्टूडेंट हैं यदि तो अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, या FD की ओर जाना है, मेडिक्लेम किस हिसाब से लेना है, शेयर मार्केट में कैसे जाना है। बस ये एक जरूर रखें कि किसी भी अच्छे जानकार व्यक्ति से चर्चा करने के उपरांत ही आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो में हो तो मेरी इस क्वेरी को भी आप सॉल्व कर दीजिए प्लीज। जी मैडम, एक्चुअली क्या है कि शायद आपका प्रश्न यह है कि जो हमको लाभ हो गया है उसको हमें कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। जी 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 लेकिन मैडम देखिए क्या है, ये हमारा थॉट है ना, ये हर व्यक्ति का थॉट अलग अलग होता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा रिस्क रहती है, रिस्क हर जगह रहती है, हमें बाथरूम में रिस्क है, सड़क पर है, घर के अंदर है, तो एक्चुअली जो फाइनेंशियल रिस्क रहती है उसको तो हम जानते हैं, उससे हम अवेयर रहते हैं, मतलब वो हमारे दिमाग में 24 घंटे रहती है,
लेकिन जो दूसरी रिस्क है उस वो हमारे जेहन में होते हुए भी हमारे सामने नहीं होती या हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो मेरा ये कहना है कि आप उसको शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई गोल है और वो गोल फुलफिल नहीं हो रहा है, उसमें अभी पूरा समय बाकी है, तो शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर एक और बात है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना उसमें रिस्क लेना चाहते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। दो विचारधाराएं हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि जितना पैसा बना है उतना निकाल लेते हैं, या वो बेसिक जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए किसी ने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया और उसका 1,50,000 रुपये हो गया, तो वो 1,00,000 रुपया निकाल लेगा। वो बोलेगा कि मैं अपना मूलधन निकाल लेता हूँ, अब जो ब्याज है उसी में मैं कमाऊंगा। तो ये सोच हो सकता है। कुछ लोगों का सोच ये है कि वो पैसा डालकर भूल गए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे कायदा तो यह है कि नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने निकाल लिया तो उस पर आपको मार्केट का जो बेनिफिट आगे आने वाले समय में मिलना वाला है वो नहीं मिलेगा, उससे आप वंचित रह जाएंगे। आप उस पैसे को निकाल करके या तो FD कर लेंगे, या सेविंग में रखा रहेगा, या किसी या कोई आप सामान खरीद लेंगे। जी सर जी, धन्यवाद। तो सोने में भी इन्वेस्टमेंट करने से उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर मिलता है। जी जी सर जी, थैंक यू, उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक और बात आपने कही थी इंश्योरेंस के बारे में, तो इंश्योरेंस के बारे में एक बात आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है हमारा, जैसे मेडिक्लेम में हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है व्यक्ति, है ना, जिसका हम इंश्योरेंस करते हैं वो सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, उस व्यक्ति की आदतों के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, उसके परिवार के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए आपसे फॉर्म भरवाया जाता है और आपसे वो डिटेल जानकारी मांगी जाती है, ताकि आपकी आदतें उसमें पता चले कि उस व्यक्ति को शराब पीने की लत है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, या वो और कोई मादक द्रव्य का सेवन कर रहा है, या वो किसी बीमारी से ग्रसित है। तो उसके आधार पर कंपनी फिर प्रपोजल एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, वो ये देखती है कि इस प्रपोजल को लेने के लिए मैं इतने रिस्क ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ। तो ये हमारा कर्तव्य है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है या जो इंश्योर्ड पर्सन है या जो प्रपोजर है, उसका ये नैतिक दायित्व है कि वो अपने बारे में सबसे पहले आगे रह करके खुद बताए, कोई चीज छुपाए नहीं, और अगर गलती से अगर कोई चीज उसको छूट गई है तो वो फिर कंपनी को बाद में भी बता सकता है, क्योंकि कंपनी पर डिसीजन लेती है वो उस प्रपोजल के आधार पर। वो व्यक्ति तो सामने जाता नहीं है, उसके कंपनी के सामने जो जाता है वो पेपर्स रहते हैं, तो पेपर अगर कंप्लीट होंगे, पेपर में जो लिखा होगा उसी के आधार पर कंपनी डिसीजन लेगी, तो वो उनका डिसीजन उस समय गलत हो जाएगा। और कभी अगर बाद में ये पता चला कि इस किसी व्यक्ति को ये डिसीज थी और उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, वो कंपनी के लिए भी बदनामी का कारण बनता है और उस व्यक्ति का तो उस प्रोडक्ट से हमेशा के लिए विश्वास ही उठ जाता है। तो मेरा यही कहना है कि जो आपके एडवाइजर हैं या जो भी किसी भी व्यक्ति का एडवाइजर हो, वो उसको पूरी तरह साफ साफ बताएं और पुरानी बातें याद करके बताएं। और हमें कई बार ऐसा लगता है, ये तो छोटी सी चीज है, पर हम ये नहीं सोचे, हम कंपनी को बता दें, कंपनी का डिसीजन है, छोटा बड़ा जो भी है। ठीक है मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। कोई भी कार्यक्रम की सफलता कई लोगों के योगदान से होती है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और आभार प्रदर्शन हेतु मैं अर्थशास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर निखिल जोशी सर को आमंत्रित करती हूँ। प्लीज सर। धन्यवाद आभा दीक्षित मैम। गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज दशहरा मैदान उज्जैन के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और तपन चौरे फाउंडेशन का संयुक्त आयोजन ई ट्रेनिंग ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड एटसेट्रा पर बात की गई। वैसे तो ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई सा भी फील्ड हो, उसको कम से कम बुनियादी फाइनेंशियल एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए, उसका नॉलेज उसको होना ही चाहिए, अदरवाइज उसको हम पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं मानेंगे।
और इस बात को बहुत ज्यादा रेखांकित कर दिया इस कोरोना काल ने, जब हम सबको ये महसूस हुआ कि किस तरह से परिस्थितियां बदली और लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है उसका क्या महत्व रहा। कई लोगों के घरों में गमी हुई, उस व्यक्ति का आना तो संभव नहीं होता, उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं होती, लेकिन कम से कम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यदि है तो कुछ हद तक उस परिवार को या उसके जो आसपास के लोग हैं उनको सहारा मिल जाता है। इसी तरीके से जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए काम करता है, किस तरह से मेडिक्लेम उसके लिए काम करता है, ये काफी हद तक हमने इस समय में इस बात को सीखा। और इसी तरीके से जो आजकल की परिस्थितियां बन गई हैं कि पहले ये था कि आप बैंक चले गए और एफडी करा ली और उससे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, वो समय अब लग चुका है। आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके नए नए सोर्सेस आपको ढूंढना पड़ेंगे, जिनमें म्यूचुअल फंड एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जहां से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज बोलने के लिए हमारे बीच में जो इन्वाइटेड रिसोर्स पर्सन मिस अंकिता नामदेव, जो कि एसोसिएट पार्टनर है आदित्य बिरला कैपिटल, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं मैं, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की ओर से और तपन चौरे फाउंडेशन की ओर से। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कई प्रकार की जानकारियां हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको उपलब्ध कराई, निश्चित रूप से उनको उसका लाभ मिला होगा। इसी प्रकार से हमारे जो दूसरे इन्वाइटेड रिसोर्स पर्सन है मिस्टर अनूप श्रीवास्तव जी, उनका भी हार्दिक आभार। उन्होंने बहुत ही विस्तार से मेडिक्लेम के बारे में, कौन कौन सी बीमारियां उसमें कवर होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कितने समय में होंगी, कितने समय बाद होंगी, इस पर बहुत विस्तृत जानकारी दी। इसी प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी उन्होंने बताया, टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है और तमाम तरह के प्लान क्या होते हैं, किस तरह से उसका फायदा मिल सकता है, और म्यूचुअल फंड पे भी काफी विस्तृत जानकारी आपने प्रदान की। इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, SIP का क्या रोल है, तो काफी विस्तृत जानकारी, मुझे लगता है कि लगभग सभी चीजें कवर हो गई इसमें। तो आप दोनों ही वक्ताओं का जिन्होंने आज इस ट्रेनिंग में भाग लिया और अपने विचारों से सबको लाभान्वित किया, तो कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की ओर से और तपन चौरे फाउंडेशन की ओर से मैं आप दोनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस ट्रेनिंग में जिन लोगों ने भी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों ने जो भाग लिया निश्चित रूप से वो लाभान्वित हुए होंगे, उनका भी हार्दिक आभार है। जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, कॉलेज के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी, उन सभी व्यक्तियों का आभार जिन लोगों ने हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रदान किया और भी जिनका नाम छूट गया, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर HL अनिजवाल सर का, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित कर रहे हैं और उनका सहयोग हमेशा बना रहता है। उनकी व्यस्तता के चलते अध्यक्ष उद्बोधन देने के लिए हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अनिता मनचंदिया मैम को भी धन्यवाद, जिन्होंने अध्यक्ष उद्बोधन प्रदान किया, और आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक लिंक गूगल यूट्यूब चैट पे आप लोगों सभी से शेयर की जा रही है, प्लीज आप फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए।